press the bell icon on the YouTube app and never. You are like a joker. कि तुम जिस चीज को पढ़ते हो तुम उसको समझते नहीं हो. तो बोला नहीं, हम समझते नहीं है, हम सिर्फ पढ़ते हैं. मैं मेरे भारत में कई बार नेशनल न्यूज डिबेट पर मैंने आयतें बोली हैं और मैंने कहा है कि ये आयत ये बता रही है, फिर आप उल्टा क्यों बोल रहे हैं. तो साजिद रशीदी मुझे बोलता है कि तुम एक एक नंबर की आवारा औरत. और ऐसे मोबाइल लेकर के बैठ जाता है हर नेशनल न्यूज पर. ये देखिए, ये है नाजिया का, ये तो मेरा बेटा है, ये है नाजिया के मैरिज रजिस्ट्रेशन, ये है मनाजिया ने शादी किया है तीन तीन. अरे तेरे बाप का क्या जा रहा है, मैं तीन करूं या तीस करूं, तेरे बाप का कुछ लेकर के कर रही हूं क्या? और क्यों अब पिछाड़ छुपाए फिर रहा है? जरा दे ना वो मैरिज रजिस्ट्रेशन का पूरा डिटेल्स दे ना. और दे मत मेरे वो तीनों शौहर को, काविंद को, पति पर. अभी को जैन दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया इज भारत पे. आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे. तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे उस कंट्रोवर्सी के बारे में जिसको लेके बवाल मच गया जब नेशनल न्यूज पे मौलाना साजिद रशीदी ने नाजिया खान जी पे पर्सनल अटैक किया और ये कहा कि नाजिया खान जी के तीन तीन पति हैं. तो इस पे आप देखेंगे नाजिया खान जी का मुंह तोड़ जवाब, जिसमें वो मौलाना को ना सिर्फ एक्सपोज करेंगी बल्कि दमदार तरीके से जवाब भी देंगी. तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें. और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम चैनल पे डाल चुके हैं जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था. तो उसे भी अंत तक देखें. और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपने से लेटेस्ट और दमदार वीडियोस लाते रहें. तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे. जय हिंद, जय भारत. मुझे याद है यूएस में एक पाकिस्तानी ड्रग पेडलर था, यूएस में अरेस्ट हुआ था. ये 2016 की बात है, यूएस में अरेस्ट हुआ था. और जब उसको बुला, क्योंकि उन लोगों को लगा, यूएस के पुलिस को लगा कि ये पाकिस्तानी है, तो एक अरबिक बोलने वाले पुलिस ऑफिसर को उसके सामने बैठाया गया. और जब वो अरबी में बात करने लगा तो वो बोला हम समझते नहीं है इसको. तो पुलिस ऑफिसर यूएस का कह रहा है पर तुम पढ़ते तो हो ना, तुम तो अरबी ही पढ़ते हो, तुम तो इस्लामिक कंट्री के हो. तो बोला हम सिर्फ पढ़ते हैं, हम समझते नहीं है. यूएस का पुलिस ऑफिसर बोला यू आर लाइक अ शिट, यू आर लाइक अ जोकर. कि तुम जिस चीज को पढ़ते हो तुम उसको समझते नहीं हो. तो बोला नहीं, हम समझते नहीं है, हम सिर्फ पढ़ते हैं. मैं मेरे भारत में कई बार नेशनल न्यूज डिबेट पर मैंने आयतें बोली हैं और मैंने कहा है कि ये आयत ये बता रही है, फिर आप उल्टा क्यों बोल रहे हैं. तो साजिद रशीदी मुझे बोलता है कि तुम एक एक नंबर की आवारा औरत. और ऐसे मोबाइल लेकर के बैठ जाता है हर नेशनल न्यूज पर. ये देखिए, ये है नाजिया का, ये तो मेरा बेटा है, ये है नाजिया के मैरिज रजिस्ट्रेशन, ये है मनाजिया ने शादी किया है तीन तीन. अरे तेरे बाप का क्या जा रहा है, मैं तीन करूं या तीस करूं, तेरे बाप का कुछ लेकर के कर रही हूं क्या? और क्यों अब पिछाड़ छुपाए फिर रहा है? जरा दे ना वो मैरिज रजिस्ट्रेशन का पूरा डिटेल्स दे ना. और दे मत मेरे वो तीनों शौहर को, काविंद को, पति परमेश्वर को, सबको ला करके मेरे सामने खड़ा कर दे. अगर है पिछाड़ में ताकत साजिद रशीदी के, तो एक बाप का पैदा अगर है साजिद रशीदी, अगर हराम का पैदा नहीं है, कुत्ते के स्पर्म का पैदा नहीं है साजिद रशीदी, और अम्मा ने एक अब्बा का लेकर के पैदा किया है साजिद रशीदी को, तो तीनों मेरे पति परमेश्वर और मेरे शौहर को खड़ा कर दे साजिद रशीदी, मैं मान जाऊंगी. उस दिन से मैं चैनल पर बैठना बंद कर दूंगी, मैं पैर पकड़ करके माफी मांगूंगी साजिद रशीदी का. अगर एक बाप का पैदा है और साजिद रशीदी की अम्मा ने अगर कुत्ते का स्पर्म लेकर के साजिद रशीदी को पैदा किया है, तब नहीं दिखाएगा. ये पर्सनल मैटर है ना, आप एक शादी करें, तीन करें, जितनी भी करें, वो आपका पर्सनल मैटर है. आपके सवालों के जवाब क्यों नहीं दे रहा वो? आपके सवालों के जवाब दे. मैं बता रही हूँ क्योंकि वो मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाता है ना. मैं जब इस्लामिक सवाल क्वेश्चंस जब उससे करती हूँ तो वो उसका उसके भाई वो तो टोपी वोपी लगा करके, एक यूनिफॉर्म पहन करके लोगों को बेवकूफ बना करके पैसा उतारने के लिए निकला है. अभी तो मैंने FIR निकलवाया है, उसके भाई के ऊपर FIR है चोरी चमारी का, साजिद रशीदी के ऊपर FIR है चोरी चमारी का, मैंने दिल्ली से निकलवाया है, और भी चार पांच जगह से मैंने उसके ऊपर के FIR निकलवाए हैं कि वो कहां. और आपको पता है साजिद रशीदी के परिवार में कोई भी चोरी चुट्टा का काम करते हुए अरेस्ट होता है या पकड़ाता है
तो बड़े बड़े संत और महंत को फोन करता है साजिद रशीदी कि मेरे भाई को छुड़वा दो, और ये न्यूज चैनल्स पर बैठता है टोपी लगा करके और अपनी चोरी के चोरी चोरी को और पुलिस से बचने के लिए बड़े बड़े साधु और संत और महंतों को फोन करता है, बाबा प्लीज हमको बचा लीजिए। साजिद रशीदी ना जाने कितना हलाला किया है लड़कियों के साथ, मैं तो खुलेआम कह रही हूं कि साजिद रशीदी अगर एक बाप का पैदा है, क्योंकि अब तो मैंने ठान लिया है मुजफ्फर भाई, अब तो मैं साजिद रशीदी को बीच रोड पर मैं उसका चिट्ठा खोलूंगी। मैंने तो दिल्ली में, इंदिरापुरम में, ओखला में और जामा मस्जिद में मैंने 1,00,000 औरतों को जमा किया है और मैंने कहा है कि जिस दिन जिस स्टूडियो में मेरे सामने खड़ा हो गया साजिद रशीदी, तुम लोगों को एक मैसेज करूंगी, आ जाना। पहले उसकी औकात नहीं याद दिलाएंगे, पहले मुझे मेरे 3 हस्बैंड का उसको बुलाना पड़ेगा, मेरे सामने खड़ा करना पड़ेगा। तो आप जिस तरीके से चैलेंज कर रही हैं, आपके खिलाफ एक कंपेन चल रही है, मैंने पाकिस्तान के अंदर भी देखा है, भारत के अंदर भी बायकॉट नाज़िया इलाही खान और फतवा भी शायद आपके खिलाफ कोई जारी हो जाए, आपको डर नहीं लगता कि ये इस तरह आप ओपनली चैलेंज कर रही हैं राशिदी को? वो आप एक देखें ना, वो मुफ्ती है, वो फतवा भी जारी करवा सकता है, खुद नहीं करेगा, किसी को बोल के आपके खिलाफ फतवा जारी करवा देगा, तो आप क्या करेंगी फिर? फतवा वहां होता है जो इस्लामिक देश हो, संवैधानिक देश में फतवा मेरी जुत्ती के नीचे हम रखेंगे, मेरी जुत्ती के नीचे मैं रखूंगी। और जब उसने नेशनल न्यूज डिबेट पर टॉपिक कुछ और था और उसने जब बात कर ही दी है कि नाजिया के 3-3 और ऐसे मोबाइल दिखा करके, ये नाजिया का 3-3 मैरिज रजिस्ट्रेशन है, नाजिया ने 3-3 शादी किया है, एक सबसे पहली बात कि उसको चुल क्यों मच रहा है, मैं 3 करूं या, ये उसका कंसर्न नहीं है। मेरे घर में मेरा बाप है और साजिद रशीदी जैसा बेहुदा बदतमीज आवारा लफंगा और झुट्टा लुच्चा जैसा मेरा बाप नहीं है। मेरा बाप बहुत अच्छा और बहुत एडुकेटेड, और दीन की जितनी तालीम मेरे अब्बा को है वो साजिद रशीदी अब सपने में भी नहीं सोच सकता है, सपने में भी नहीं सोच सकता है। अब जब उसने दिखा ही दिया है तो ताकत है तो उन तीनों को बुला लो मेरे सामने, इसमें प्रॉब्लम कहां पर है? अब आज मैं अगर आपके ऊपर मुजफ्फर भाई को ये कहे कि मुजफ्फर जो है वो बहुत खराब आदमी है और वो उसके पास 5 बीवियां हैं, 10 बीवियां हैं, तो आप तो कहेंगे ना कि भाई सामने बुला लो, बोल करके क्या फायदा, सामने बुला लो। तो ये बात है। अब आप सोचिए कि जो मुल्ला मौलवी अपनी चीजों को सही साबित करने के लिए लड़कियों को, औरतों को, महिलाओं को डिबेट में बेइज्जत करने की कोशिश करते हैं, उनका कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, वो इनके इनके पक्ष में बात नहीं करेंगे बलात्कारियों के और डकैतों के, तो और किसके पक्ष में बात करेंगे? उसको ये नहीं पता कि ये गुनाहे कबीरा है, किसी महिला के ऊपर ऐसे बगैर तहकीक के इल्जाम लगाना गुनाहे कबीरा है, उसको ये नहीं पता इतना बड़ा आलम है वो? नहीं, एक्चुअली में मुझे जहां तक अंदेशा है, क्योंकि मैंने तो केस फाइल कर दिया है साजिद रशीदी के ऊपर, उसको दिखाना ही पड़ेगा, चाहे वो कितना ही दूर भाग ले उसको दिखाना पड़ेगा। और तीनों मेरे जो उसने कहा है कि मेरा 3 शौहर है और जिसमें एक हिंदू है, उसको बुलाना भी पड़ेगा सबके सामने। देखिए, मुझे जहां तक इंफॉर्मेशन मिला है कि जिस किसी ने भी उसको ये इंफॉर्मेशन आधे अधूरे दिए हैं, उससे साजिद रशीदी ने बहुत बड़ा पैसा लिया है, बहुत मोटी रकम ली है मुझे मलाइन करने के लिए, मुझे डिफेम करने के लिए। तो अब मुसलमानों का तो वही है ना, जहां पैसा दिख जाता है कुत्ते की तरह लाल टपकाना स्टार्ट कर देता है। अरे मुसलमान मर्दों को तो पैसा दे दो तो बेटी को भी वो रेप कर दे। बहुत अफसोसनाक ये बात है, बहुत ही दुख वाली बात है कि ये जो इनको तो बनना चाहिए रोल मॉडल, हम आपके लिए ये जो हमारे उलमाए कराम है पाकिस्तान के, भारत के, ये इनका किरदार तो इतना क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए कि हम मिसाल दें कि ये देखें जी, ये हमारे उलमा कराम हैं, ये इस्लाम को फॉलो करने वाले हैं, आप इनकी तरफ देखकर इस्लाम को कबूल करें या इस्लाम की कम से कम रिस्पेक्ट करें। जब हमारे रहनुमा, हमारे लीडर, हमारे ये जो उलमा कराम हैं, वो इस तरह की जहनीत, इस तरह का माइंड सेट, इस तरह के किरदार के
हामिल होंगे तो कौन इस्लाम की रिस्पेक्ट करेगा, ये बताएं मुझे एंड में बस। देखिए मुसफ्फर भाई, हमारा इस्लाम कहता है कि अगर किसी लड़की की शादी हो रही है और उसके कैरेक्टर पर उंगली उठी है तो आप अल्लाह को हाजिर नाजिर करके उसकी इज्जत बचाने के लिए आप अल्लाह की कसम भी खा सकते हैं उस बेटी की इज्जत बचाने के लिए। हमने बचपन से अपनी नानी अम्मा और दादी अम्मा के मुंह से सुना कि जिस घर में बेटी नहीं होती है ना उस घर की दहलीज की इज्जत की जाती है। हमने हमेशा अपनी अम्मा और अब्बा के मुंह से सुना कि जो जो शख्स घर की बेटियों की इज्जत नहीं करता या जो मुसलमान शख्स बेटियों की इज्जत नहीं करता उससे रसूल पाक नाराज होते हैं, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीपीस अपॉन हिम अपने सर की पगड़ी बिछा दिया करते थे अपनी बेटियों के लिए। तो बेटियां उनको बहुत प्यारी थी, बहुत प्यारी थी। और जिस हिसाब से साजिद रशीदी ने मुझे बेइज्जत करने की कोशिश की है, असदुद्दीन अवैसी के प्रवक्ता ने मुझे जलील करने की कोशिश की है, मेरे सवाल का जवाब कभी नहीं देता है, सीधा मेरे कानून पर आ जाता है। तो मैं अल्लाह को हाजिर और नाजिर करके मैं साजिद रशीदी के जितने बाल बच्चे हैं उस पर 30 पारा का अजाब पड़े और इतना कहर नाजिल हो कि साजिद रशीदी जो चंदाखोरी कर रहा है जवानी से लेकर के बुढ़ापे तक, उसके पुश्त दर पुश्त सिर्फ चंदाखोरी और भीख मांग करके ही अपना गुजारा गुजर बसर करे। और मैं जरूर इंक्वायरी करवाऊंगी कि उसका जो टूर एंड ट्रेवल चलता है उसमें क्या 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 जिहादी हरकतें होती हैं, वो भी मैं जरूर करवाऊंगी। तो ये वो मुल्ला है मुजफ्फर भाई, या डकैत के बारे में जो आपने टॉपिक उठाया, ये वो मुसलमान है जो इस्लाम के लिए, इस्लाम वाले नहीं है, ये वो मुसलमान है जो औरंगजेब की पैदाइश है, ये वो मुसलमान है जो इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर, इस्लाम पर एक बदनुमा धब्बा है और अपने मुफाद के लिए, अपने आप के लिए, अपनी लैविश लाइफ के लिए सिर्फ इस्लाम को अपनी रोजी रोटी बना करके रखे हुए हैं। इसके अलावा ना ही ये मुसलमान है और ना ही ये अल कुरान को मानते हैं और ना ही ये इस्लाम को मानते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया लाया खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें आपने देखा नाज़िया खान जी ने ना सिर्फ मौलाना साजिद रशीदी को एक्सपोज किया बल्कि मुंह तोड़ जवाब भी दिया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और इस पूरी वीडियो और कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में जो भी आपके विचार हैं आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।